मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक बहुत सरल और परिचित पद है, आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा, पुनः उसी पद को दोहराते हुए उस पर कुछ निवेदन, कुछ विचार। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सदगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना, सारी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक दीवानी। ना हरि रीझे जप तब किन्हे, ना काया के जारे, ना हरि रीझे आसन मारे, ना धोती के छाड़े, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना साजी सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुशब्द वाद को त्यागे, छाड़े गर्व घुमाना, आत्म राम ताहि को मिले हैं, कहें कबीर सुजाना। सदगुरु के मिलने पर जीवन में क्या परिवर्तन होता है, जब तक हमें सच्चे गुरु का बोध नहीं मिल जाता तब तक हम मानसिक विकारों में तो भटकते ही हैं, अनेक प्रकार के भ्रम कल्पनाओं और अंधविश्वासों में भी भटकते रहते हैं और जीवन के अनमोल समय को बर्बाद करते रहते हैं। सद्गुरु द्वारा ही सच्चा बोध मिलता है। बिना रे खेवैया नैया, कैसे लागे पार हो, ये भी सद्गुरु कबीर का एक भजन है। सद्गुरु द्वारा ही ये जीवन की नाव पार होती है, सद्गुरु द्वारा ही जीवन जीने की कला मिलती है और ज्ञात होती है। अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि आज के जमाने में सच्चे गुरु कहाँ हैं, आज के जमाने में भी सच्चे गुरु हैं, हर जगह है, हर मत पंथ संप्रदाय में है। आवश्यकता है विनम्रता पूर्वक खोजने की, लोभ में पड़ेंगे कि बिना मेहनत किए हमें धन मिल जाए, सांसारिक ऐश्वर्य मिल जाए, बिना मेहनत किए भोग और मोक्ष मिल जाए, तो यहीं पर आपको भटकाने वाले गुरु मिल जाएंगे और आप भटकते रहेंगे। लोग कहते हैं कि बहुत से महात्मा, बहुत से गुरु लोगों को भटका रहे हैं,
बात सच भी है, गलत नहीं है, लेकिन वे महात्मा वो गुरु आपको भटकाने के लिए आपके घर गए हैं या आप उनके पास गए हैं, पहले ये सोचो। क्या कोई आपको जबरदस्ती भटका रहा है? जितना आपके मन में लोभ होगा, बिना मेहनत आप भोग मोक्ष एक साथ चाहोगे तो भटकाने वाले गुरु आपको मिलेंगे। लोभ नहीं है आपके मन में। जिस आदमी को अपने कर्मों पर विश्वास है, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास है और अपने प्रारब्ध पर विश्वास है, जो किसी की दुआ किसी के आशीर्वाद से फल प्राप्ति की आशा नहीं करता, उस आदमी को कोई दुनिया में भटका नहीं सकता है। और आप चाहते हैं बिना मेहनत, बिना त्याग, बिना तप, बिना संयम के तो भटकाने वाले मिलेंगे? कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जेहि मत को लोभिया तेहि घर ठग को बास। हमारे मन में लोभ है, जितना लोभ होगा उतना हमें भटकाने वाले मिलेंगे। लोभ नहीं है, कोई हमें भटका नहीं सकता है। सच्चे गुरु की खोज करें। सच्चे गुरु कौन? गुरु की कोई बाहरी सिंह पूंछ नहीं है कि थर्मामीटर लगा दो, कोई पैमाना स्थिर कर दो और उसमें कह दो कि हाँ ये गुरु है। ऐसा कोई थर्मामीटर कोई पैमाना नहीं है। तो सच्चे गुरु कौन? केवल इतना याद रखना होगा, जिसका ज्ञान सही हो और जिसके जीवन का आचरण चरित्र उज्ज्वल हो, जो वैराग्यवान हो, वे सच्चे गुरु हैं, चाहे जिस मत के हों और चाहे जिस कपड़े में रहने वाले हों। बस सही ज्ञान चाहिए। सही ज्ञान कौन सा ज्ञान है? जिस ज्ञान में मिथ्या महिमा ना हो, चमत्कार ना हो, अंधविश्वास ना हो, पाप कटने के लिए सस्ते नुस्खे और सस्ते उपाय ना हो, जो ज्ञान प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, तत्वों के गुणधर्म और विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो, वह ज्ञान सही ज्ञान है। इस ज्ञान में आपको कोई ये नहीं कहेगा कि गंगा नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, पाप कट जाएगा। ये महिमा की बात। तो जिसके पास सही ज्ञान हो और जिसके जीवन का आचरण उज्ज्वल हो, चरित्र उज्ज्वल हो, जो वैराग्यवान निष्काम हो, अनासक्त हो, वह गुरु। बस इतनी कसौटी है गुरु की। फिर किसी वेश में रहता हो, किसी मत पंथ संप्रदाय में रहता हो, उससे क्या मतलब होता है? गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे कि यदि हमको इंग्लिश सीखना है तो कौन सा टीचर चाहिए? हिंदू की मुसलमान, ब्राह्मण की शूद्र, लाल कपड़ा वाला या पीला कपड़ा वाला या सफ़ेद कपड़ा वाला, पैंट कुर्ते वाला या धोती या पैंट कमीज वाला या धोती कुर्ता वाला? कुछ नहीं। जिसको अंग्रेजी सही आती हो, जो सही ढंग से पढ़ाता हो, बस ऐसा टीचर चाहिए। चाहे जिस कपड़े में हो, चाहे जिस
जाति मत पंथ संप्रदाय का हो, तो वही बात गुरु के लिए है। सदगुरु जब मिल जाते हैं तब जीवन का नक्शा बदल जाता है। साहब ने भी कहा है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, गुरु सदा सो बंद ये शब्द लखावे दांव। गुरु गुरु में भेद है, अनेक गुरु हैं। सदैव वह गुरु वंदनीय है जो हमें शब्दों का दांव लिखाता है। ये कौन शब्द महिमा का है और कौन शब्द निर्णय का है। निर्णय वचन मान्य है सर्वत्र, और निर्णय वचन नहीं है तो कहीं भी लिखा हो वो मान्य नहीं है। मूल पद पर मैं आता हूँ। अब मैं भूला रे भाई मेरे सदगुरु जुगत लखाई, मेरे सदगुरु ने मुझे ऐसी युक्ति लखा दी कि मैं तमाम प्रकार के भ्रम अंधविश्वास चमत्कार के दलदल में उलझा हुआ था, उस रास्ते पर चलना मैं भूल गया, मैं छोड़ दिया उसको, मुझे सही रास्ता मिल गया। जिसको सही रास्ता मिल गया वो पगडंडी पर क्यों चलेगा, कांटे कंकर भर रास्ते पर क्यों चलेगा। परिणाम क्या हुआ, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा तीर्थ नहाना। गुरु ने बता दिया कि पवित्र भावना से सेवा भाव से किया हुआ हर कर्म पूजा है। तब फिर मैंने बाहरी पूजा पाठ छोड़ दिया। आप पूजा पाठ करते हो, अच्छा है करो। पूजा पाठ करने से मन में सात्विक भावना आएगी, आती है, मन एकाग्र होता है, मन में निर्मलता और प्रसन्नता आती है। मन की एकाग्रता, मन की सात्विक भावना, निर्मलता, अपने इष्ट की याद, इन सब के लिए आप पूजा करो। लेकिन पूजा करने से आपको फैक्ट्री नहीं लगेगी, पूजा करने से आपकी नौकरी में तरक्की नहीं होगी, पूजा करने से आपके खेत में फसल नहीं होगी। ये महिमा की बात है। और आदमी पूजा इसके लिए करता है, पूजा करेंगे भगवान खुश हो जाएगा, भ्रम में न जिए। सही ज्ञान मिलता है तो आदमी क्रिया कर्म छोड़ देता है। गंगा नहाता है लेकिन इसलिए नहीं नहाता कि गंगा में नहाऊंगा तो पाप कटेगा। गंगा नहाता है तो शरीर धोने के लिए नहाता है। यदि आपके आसपास जहां आप रहते हो मील दो मील पर कोई नदी हो तो आप नहाने जाओ, कोई भी नदी हो, और सुबह जाओ। फायदा क्या होगा, सुबह सुबह जब आप जाओगे 4, 4:30 बजे 5 बजे तो सुबह की ताज़ा हवा मिलेगी, प्रकृति शांत रहती है। रोज़ दो मील आओगे जाओगे तो चलना हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। और नदी के स्वच्छ और शीतल पानी में नहाओगे तो शरीर भी निरोग रहेगा। ये गंगा नहाना या नदी नहाने का फायदा है। और आप नहाते हो पाप काटने के लिए। हम तो जहाँ बैठे हैं इलाहाबाद, पास में गंगा बह रही है। जहाँ हम बैठे हैं इसके आधा किलोमीटर उत्तर गंगा बह रही है, मुख्य धारा 1 किलोमीटर पर है। और संगम में तो कहना ही क्या, लाखों लाखों लोग आते हैं हर साल गंगा नहाने के लिए। और जब एक बार गंगा नहा लिए सारे पाप कट गए तो बार बार नहाने की क्या जरूरत। बार बार लोग आ रहे हैं गंगा नहाने, हर साल आ रहे हैं, पता नहीं कितना पाप कर रहे हैं वे लोग।
तो गंगा नहाने हर साल लोग आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि गंगा नहाने से एक बार जो गंगा नहा लेगा उसकी मुक्ति हो जाती है। लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में, गंगे तो दर्शनात मुक्ति, हे गंगा तेरे दर्शन से मुक्ति हो जाती, नहाने से तो और क्या। गंगा नहाते नहाते मुक्ति हो जाएगी ना, तो कुछ साल बाद भारत में एक भी हिंदू नहीं बचेगा, वही नहाते हैं ना। और लोग कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, अरे खतरे में नहीं है, विनाश की ओर जा रहा है गंगा नहाना, सबके सब मुक्त हो जाएंगे, कोई हिंदू बचेगा ही नहीं। पता नहीं मुक्ति होती है या नहीं होती है, पाप करता है या नहीं करता है, लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूँ, आप लोग सुने होंगे, लाखों लोग आते हैं हर एक प्रत्येक साल संगम में गंगा नहाते नहाने के लिए, उन लाखों लोगों में से किसकी मुक्ति हुई या नहीं हुई, हजारों की जेब की मुक्ति हो जाती, जेब तो कटी जाती है। इसलिए भ्रम में मत पड़ो, नहाओ गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, नर्मदा गोदावरी नहाओ, जहाँ नहाओ, लेकिन शरीर धोने के लिए नहाओ, स्वस्थ जल में नहाने के लिए नहाओ। मुक्ति उक्ति कुछ मिलेगी नहीं, पाप तो मन में है, नहाने से मुक्ति कैसे मिले, पाप कैसे धुलेगा। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा तिरत नहाना, सारी दुनिया भई सयानी मैं ही एक दीवाना। कबीर साहब कहते जब मैंने सब छोड़ दिया तो लोग कहते अरे कबीर तो पागल, कैरपंथी लोगों कहते हैं अरे कैरपंथी हैं भैया, कुछ नहीं मानते, जहाँ सुने कि ये कैरपंथी हैं कुछ नहीं मानते, भ्रम है लोगों को। कबीरपंथी माता पिता को मानते हैं, पति पत्नी को मानते हैं, बेटा बेटी को मानते हैं, गुरु पीर को मानते हैं, दुनिया को मकान मानते हैं, गाय घोड़ा भरे मानते, कुछ कैसे नहीं मानते हैं, बहुत तो मानते हैं। सुंदर व्यवहार करना चाहिए, सुंदर जीवन जीना चाहिए, प्रेम से समता से रहना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, बंदे की सेवा करना चाहिए, ये तो मानते हैं ना, कुछ कैसे नहीं मानते। लेकिन लोग समझते हैं हमारे अंधविश्वास को नहीं मानते, हमारे भ्रम को नहीं मानते हैं, इसलिए कहते हैं कुछ नहीं मानते। हाँ, भ्रम अंधविश्वास को नहीं मानते, जो तथ्य है उसको मानते हैं, झूठ को नहीं मानते। लोग समझते इसलिए झूठ को नहीं माने से अरे ये कबीरपंथी तो पागल हो जाते हैं। 100 झूठ बोलने वालों के बीच एक ईमानदार आ जाए तो कहेगा ये आदमी पागल हो गया, ये तो कहेगा ना। लेकिन सही बोध हो जाने पर सब छूट जाता है। साहब और कहते हैं तुम हरि चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, शांति चाहते हो, ये टन घन तो नहीं मिलेगा। ना हरि रीझे जब तब किन्हे ना काया के जारे, जब करो तब करो, किसी मंत्र का जप करते हो, किसी नाम का जप करते हो, तो जप करते रहने से मन एकाग्र होगा, श्रद्धा भावना से करो। लोग माला भी फेर रहे हैं और तंबाकू भी खा रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, नौकर को बच्चों को गाली भी दे रहे हैं, ये तो बेकार हो गया। तो जिस नाम में जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा है भावना है उसको जपो, जपने से मन में सात्विक भावना आएगी, एकाग्रता आएगी, निर्मलता आएगी, ये लाभ है। पाप नहीं कटेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं मिलेगा, दुख दूर नहीं होगा, शांति ना मिलेगी। तो ना हरि रीझे जब तब किने, सदगुरु कहते हैं जब तब करने से हरि रीझने वाला नहीं है। ना काया के जारे, तपस्या करोगे भूखे रहोगे नंगे रहोगे खड़े रहोगे इससे कोई फायदा नहीं होगा। ना हरि रीझे आसन मारे ना धोती के छाड़े, एक जगह आसन मार करके बैठ जाओ, आसन लगा कर बैठ जाओ, हरि रीझ जाएगा, साहब कहते हैं ये भी गलत। आसन लगाओ, ध्यान में बैठते हो तो एक आसन से देर तक बैठो, सीधा बैठो, प्राणायाम करना है साधना करना है तो सीधा बैठो, एक आसन से सीधे देर तक दृढ़तापूर्वक बैठने से शरीर स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, ऐसा करो।
लेकिन अमुक आसन से बैठने से कल्याण होगा, मोक्ष हो जाएगा, बेकार है। कपड़ा छोड़ दिए, नंगे फिरने लग गए। कुछ लोग नंगे रहते हैं, सोचोगे कि हम कपड़ा पहनते हैं इसलिए हमारे मुक्ति में बाधक है। कपड़ा नहीं फिरेंगे, नहीं कपड़ा नहीं पहनेंगे, नंगे रहने से कैसे मुक्ति मिलेगी? तो जानवरों मुक्ति अब तक हो गई होती, जानवर कहाँ कपड़ा पहनते हैं बचपन से अब तक? आदमी कपड़ा पहन रहा है ना, खाली कपड़ा बाधा नहीं है, कपड़ा छोड़ दे मुक्ति नहीं मिलेगी। अभी समझ लो, जटा रखाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, बाल मुड़वाने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी इलाहाबाद में एक डिग्री कॉलेज में गुरुदेव जी का कार्यक्रम था, वहाँ के प्रोफेसरों ने बुलाया था, गए थे, बच्चे भी अध्यापक थे। प्रवचन समाप्ति के पश्चात एक विद्यार्थी खड़ा हो गया, महाराज कबीर साहब ने तो ये कहा है कि बाल मुड़वाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, मुड़ मुड़ाए हरे मिले सबको ही ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए, और आप लोग बाल मुड़वा लिए हैं, विद्यार्थी तो विद्यार्थी, तो आप लोग बाल मुड़वाए हुए हैं। तो कबीर साहब ने कहा, भाई हम लोग बाल नहीं मुड़वाए हैं, साहब ने भी कहा है ना कि बाल रखाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, बाल के रखाए से कौन नर तर गए, मोर न तरे जाके लंबे लंबे पंख हैं। तो कबीर साहब ने बाल मुड़ाने खंडन किया है, और जटा रखने का, हम लोग इसलिए न बाल रखाते हैं न मुड़ाते, महीना में एक बार साफ कर लेते, हम लोग न इधर में न उधर में हैं, जटा भी नहीं रखता नहीं है, और रोज रोज हम लोग मुड़ते भी नहीं हैं। तो न तो बाल बाधा है, अरे मुड़ना है तो मन को मुड़ना पड़ेगा, मन तो मुड़ते नहीं है, बाल को मुड़ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये कर्म कांड नहीं, कपड़ा छोड़ दिए, कपड़ा कौन बाधा है, किस कपड़ा को छोड़ना है? कपड़ा छोड़ने से मुक्ति मिलेगी, कपड़ा त्याग दो तो मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति प्राप्ति में कपड़ा बाधक है। तो कौन सा कपड़ा? शरीर पर पहना हुआ कपड़ा नहीं, अविद्या का जो कपड़ा पहन रखे हो मन में, मोह का जो कपड़ा पहन रखे हो मोह में, कि बिना मोह नहीं करेंगे विवाह कैसे चलेगा, ये मोह के कपड़ा को हटा दो, मन को निर्मोह बना दो, अभी मुक्ति मिल जाएगी, ये काम हम नहीं करते हैं। तो बाहरी कर्मकांड का साहब खंडन करते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे मुक्ति मिलेगी, आत्मलाभ कैसे होगा, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा। दया राख धर्म को पाली, जग से रहे उदासी। दया रखो, दया का अर्थ है दुखियों के दुख को देख करके द्रवित हो जाना, और जो बन सके उनके दुखों को दूर करने में सहयोगी बनना। आदमी का हृदय इतना कठोर और क्रूर बन गया पत्थर जैसा, कि दूसरे के दुख दर्द को वो दुख दर्द समझता ही नहीं है। कोई दिन दुखी है, असहाय है, लाचार है, कभी उनको न सताओ, कभी उनको पीड़ा ना दो, उनके रास्ते में रोड़ा ना अटकाओ, जो बन सके सेवा करो, सहायता करो, दया जाके। दया धर्म नहीं, मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। मन में दया धर्म नहीं है तो शरीर के चेहरे को दर्पण में देखने से क्या फायदा? जहाँ दया तहाँ धर्म है। दया और धर्म अलग अलग नहीं है, दया को हटा दो धर्म और क्या बचेगा, इसलिए दया रखो। दुखियों के दुख दर्द को दूर करने में यथासंभव सहयोगी बनो और दूर करो। धर्म को पाले, धर्म का पालन करो,
कौन सा धर्म? यहाँ धर्म का अर्थ है कर्तव्य। जो तुम्हारा कर्तव्य है, हर आदमी के कर्तव्य है, हर आदमी का अनेक पार्ट है, वो पुत्र है, पिता है, पति है, भाई है, बहुत गुरु है, शिष्य है, स्वामी है, सेवक है, बहुत पार्ट। अपने अपने कर्तव्य का समुचित पालन बस धर्म हो जाएगा। और वो क्या है सहज रूप से कहें तो, जो हम अपने लिए नहीं चाहते दूसरों के लिए वह व्यवहार वह कर्म करना छोड़ दें। बस सकारात्मक रूप से कहें तो हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें, बाहर हम ऐसा ही कर्म करें जो व्यवहार दूसरों से हम अपने लिए चाहते हैं। बस इतना धर्म है। हम क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, मीठी वाणी चाहते हैं, बस ये दूसरों साथ करो, बस ये धर्म हो गया। और इसकी आवश्यकता सबको है। तो कर्तव्य का पालन और दूसरों के साथ प्रेम समता एकता का व्यवहार, ये धर्म है। जग से रहे उदासी, संसार से उदास रहो। क्या मिलेगा आपको? ये नंगी दुनिया आपको क्या देगी? आज तक क्या मिला? और जो मिला उससे आपका मन कितना शांत हुआ, कितना तृप्त हुआ? चीजें यही मिलती है, यही छूट जाती है। हाथ क्या आता है? पश्चाताप, चिंता, आसक्त, मानसिक विकार। उदास रहने का अर्थ क्या है? कामना रहित तो होना। उदास रहने का अर्थ ये नहीं है कि हाथ पैर बटोर करके बैठ जाओ, हाय अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझसे क्या होगा, बहुत साधारण आदमी हूँ, ये उदासी नहीं। उदासी का मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए मैं पर्याप्त हूँ, मेरी मेहनत, मेरा भाग्य और मैं, बस सब पर्याप्त। तो ये उदास रहना है। जितनी आसक्ति बनाएंगे, जितनी कामना रखेंगे, उतना ही हमको चांटा खाना पड़ेगा, उतना दुख उठाना पड़ेगा। सेवा करें, पुरुषार्थ करें, निष्काम रहें, और जब जो जहाँ जितना मिला है उसमें संतोष रखें, दुख का अनुभव नहीं होगा। ये उदास रहना है। अपना साजी सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। सभी प्राणियों को अपने समान समझो, सजाती हैं, मेरा है भाई बंधु। जब सजाती हैं तब किससे राग, किससे देश, किससे बैर। सदगुरु कबीर ने तो यहाँ तक कहा है, घाव काहि पर घालूं, जित देखो तित प्राण हमारो। चोट किसे पहुँचाऊँ, जहाँ देखता हूँ सब मेरे प्राण प्रिय हैं। आदमी को सबसे अधिक प्रिय क्यों? अपना प्राण। इससे अधिक कोई प्रिय नहीं है। अपने प्राण से अधिक न पत्नी प्यारी है, न पुत्र प्यारा है, न पिता प्यारा है, न गुरु प्यारा है, न शिष्य प्यारा है, और यहाँ तक अपने प्राण से ज़्यादा न देवता प्यारा है, न भगवान, न ब्रह्म प्यारा है। आखिर देवता, भगवान, ब्रह्म को हम अपने लिए चाहते हैं ना, आत्मधार के लिए चाहते हैं ना, उनके लिए थोड़े हैं। आज तक किसी आदमी ने क्या इसके लिए तपस्या की है, मैं तपस्या करूँगा भगवान का कल्याण हो जाएगा? किसी आदमी ने भगवान के कल्याण के लिए, भगवान की मुक्ति के लिए तपस्या की है क्या, प्रार्थना की है? अपने कल्याण के लिए। भगवान मिला और दुख आ गया तब कहें अच्छा रहने दो। कोई आदमी तपस्या कर रहा हो, पूछो उससे क्यों तपस्या करते हो? भगवान को पाने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। अच्छी बात। एक महीना के बाद आप उस आदमी के पास जाओ
और कहो भाई कि मैं भगवान के पास गया था, भगवान के धाम से मैं लौट करके आ रहा हूँ, भगवान ने तुम्हारे लिए मुझे संदेश भेजा है कि देखो अमुक मेरा भगत बड़ी तपस्या कर रहा है, बड़ी भक्ति कर रहा है, उसकी तपस्या भक्ति से मैं खुश हो गया हूँ, उसकी तपस्या भक्ति पूरी हो गई है और मैं उसे दर्शन देने के लिए आने वाला हूँ, उससे बता देना कि अभी 10 अक्टूबर 2017 को मैं उसे दर्शन देने के लिए आने वाला हूँ, लेकिन उसे ये बता देना कि 10 अक्टूबर 2017 को मैं दर्शन देने के लिए आने वाला हूँ, जैसे उसको दर्शन उसके सामने मैं आकर खड़ा होऊंगा वैसे उसकी मुक्ति हो जाए, वैसे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो कहेगा अच्छा है ठीक है बड़ी कृपा भगवान, भगवान का ना 10 अक्टूबर 2040 को दिए हैं दर्शन दिए हैं, अभी न दिए हैं, तो भगवान नहीं चाहेगा वो। तो अपनी आत्मा प्यारी सबसे, सदगुरु कबीर कहते हैं घाव काहे पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो, किसे चोट पहुँचाऊँ जहाँ देखता मेरा प्राण प्यारा। बस साहब कहते हैं अनाथी आत्मा तो मिला मिलाया, फिर सब में अपने को और अपने में सबको देखने का अर्थ यही है। सब में अपने को देखना मतलब जैसा मैं हूँ वैसा दूसरे हैं, जैसे मुझे सुख दुख की अनुभूति होती है वैसे अनुभूति सबको होती है, ये सबको। और ऐसा जान करके दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना, दूसरों को धोखा देना बंद कर दे, ये सब में अपने को देखना है, इससे अधिक और कुछ नहीं है। ऐसा भाव जिसके मन में है आनंद की धारा बह रही है ताही मिले अविनाशी साहब कहते, उसको आत्मबोध होगा। सहे कुशब्द वाद को त्यागे, साहब कहते हैं कोई तुम्हें कुशब्द कह रहा है, तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हें गाली दे रहा है, तो उसको सुन करके सहन कर लो, प्रतिक्रिया में उलझो मत। प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया शांत नहीं होती, घृणा से घृणा निंदा से निंदा शांत नहीं होती, वैर से वैर शांत नहीं होता, किंतु प्रेम से घृणा शांत होती है, प्रेम से वैर शांत होता है, प्रेम से प्रतिक्रिया शांत होती है। किसके किसके जबान को आप बंद करोगे साहब? इसलिए सहे कुशब्द, दूसरों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग मत करो स्वयं, दूसरों की निंदा मत करो, दूसरों की बुराई मत करो, दूसरों की चुगली मत करो, कोई तुम्हारे लिए कर रहा है तो मौन होकर के सहन कर लो, ये तो साधना है, ये तो तपस्या है, यह तो भक्ति का फल है, और साधना है क्या? हानि पाकर घाटा उठाकर तकलीफ झेलकर निंदा सुन करके शांत रह जाना, मौन रह जाना, प्रतिक्रिया विहीन मन हो जाना, यही साधना है, यही भक्ति और धर्म करने का फल है। और थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर हम उलझते रहते हैं, गुस्सा में आते रहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया बस उलझ गए, गुस्से में आ गए, कौन साधना, कौन भक्ति, कहाँ हमारा ज्ञान है? ऐसा ज्ञान काम नहीं आएगा। तो सहे कुशब्द, तुम्हारे लिए कोई गलत कहता हो तो सहन करो, वाद को त्यागे, विवाद में मत पड़ो, विवाद से समाधान नहीं होता, विवाद से काम और बिगड़ता है, विवाद से सदैव दूर रहो, छाड़े गर्व गुमाना, गर्व और गुमान, गर्व अहंकार को छोड़ दो, गुमान संदेह, किसका गर्व किसका अहंकार, हमारा क्या है जिसका अहंकार करें? खाली हाथ आए, खाली हाथ यहाँ से चले जाएंगे, बीच में चीज़ें मिली बीच में छूट जाएगी, और अहंकार इनका ही होता है, जो चीज़ें हमारी नहीं होती बीच में मिलती बीच में छूटती है अहंकार उनका होता है, जो हमारा अपना है ना तो हमें उसका पता है और ना हमें उसका अहंकार होता है। हमारा अपना क्या है? हमारी चेतना, हमारा अपना आपा।
किसी को आपने कहते सुना है, अरे तुम समझते क्या हो कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, कोई ऐसा कहता अहंकार कहता क्या? इतना अहंकार नहीं होगा, क्योंकि वहाँ शुद्धता है, निर्मलता है। जो झूठी चीज है अहंकार, उसका होता है। तो गर्व छोड़ दो, और गुमान, संदेह, द्विधा की बुद्धि, भ्रम का त्याग कर दो। कहें आत्म राम ताई को मिले हैं, कहें कबीर सुजान साहब कहते हैं, ऐसा जब करोगे तो तुम्हारे आत्म साक्षात्कार होगा, तुम्हारी आत्मस्थिति होगी, भटकना कहीं नहीं है। तो पद में सदगुरु कबीर, बाहरी जो कर्मकांड है उनमें उलझने से हमें रोकते हैं। कर्मकांड कोई करना है तो मानसिक शांति प्रसन्नता के लिए करो, धार्मिक आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं। और आत्मलाभ लेना, आत्म शांति करना है तब सद्गुण सहचार का पालन करो, सबसे निष्काम होकर के अंतर्मुख हो जाओ। ये समझो कि जो मुझे पाना चाहिए मेरा निधान है, वो नित्य प्राप्त ही है। सभी जी मेरे समान सजाती हैं, ऐसा जानकर सबसे प्रेम और सबसे निर्मोह और निष्काम, बस बिहार बढ़िया होगा, परमार्थ बढ़िया होगा। गुरुदेव जी की इस ये सुक्ति याद कर लें, प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्ति में मोक्ष है। दूसरों के लिए प्रेम, अपने लिए अनासक्ति, इसी जीवन में स्वर्ग और मोक्ष दोनों का अनुभव किया जा सकता है, दोनों को हम जी सकते हैं। सदगुरु संतों का हमारे लिए यही आदेश है। अपनी वाणी के यहीं विराम देता हूँ। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तुम कहाँ से अब जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से अब जा रहे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन।